सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। गुरु व्यक्ति को अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाते हैं। गुरु जातक को सही मार्ग दिखाते हैं। पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का भी प्रतीक माना जाता है। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, गुरु पूर्णिमा ज्ञान, शिक्षा और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। अब ऐसे में इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है, तो चलिए जानते हैं। केसर का दान। शास्त्रों के अनुसार केसर को गुरु ग्रह का प्रिय माना जाता है। इस दिन केसर का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि केसर का दान करने से ज्ञान, बुद्धि, विद्या और सफलता की प्राप्ति होती है। वही केसर का दान करने से गुरु की कृपा भी प्राप्त होती है और कुंडली में मौजूद गुरु दोष दूर होता है। पीले वस्त्र का दान। वही जानकारी के अनुसार पीला रंग गुरु ग्रह का प्रिय रंग माना गया है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र का दान करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है, साथ ही भाग्योदय होता है। चने का दान। वही चने का दान गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक विशेष दान है। इसका दान करने से गुरु की कृपा हमेशा बनी रहती है, साथ ही कुंडली में स्थित गुरु दोष से भी छुटकारा मिलता है, इसलिए इस दिन चने का दान विशेष रूप से करना चाहिए। घी का दान। जानकारी के अनुसार घी का दान गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक विशेष दान है। घी को भगवान विष्णु और गुरु ग्रह का प्रिय माना जाता है। घी विद्या का कारक भी माना गया है, इसलिए इस दिन घी का दान करने से व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।